हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चंद्रमौली मौर्य सीएम सर, स्वागत है आपका आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ का अगला पार्ट यानी कि क्रोमेटिन। पिछला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पर, आपने उसको देखा होगा, और उसमें मैंने आपको कहा था कि अगला जो वीडियो आएगा वो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के पार्ट को यानी कि क्रोमेटिन को। तो आज हम डिस्कस करने वाले क्रोमेटिन। हम शुरू करें उसके पहले आप हमारे चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को सब्सक्राइब करें। अगर आपको बोटनी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो वीडियोज यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, लाइव क्लास यहाँ जो मैं लेता हूँ, उनको आप जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। और अगर आप डिटेल में कोर्सेज बोटनी के लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप CMI नीट कंसेप्ट क्लासेज, जहाँ पर हैं स्ट्रक्चर्ड बोटनी के कोर्सेज नीट एस्पिरेंट्स के लिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज है, लाइव क्विजेज हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे क्रोमेटिन की। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने बात किया था न्यूक्लियस का। जब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस में चार चीज़ें होती हैं, मैंने आपको समझाया था। चार चीज़ें क्या होती है, तो एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड रहता है, यानी जो चीज़ें न्यूक्लियस में बन रही हैं और साइटोप्लाज्म में रिक्वायर्ड हैं तो वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाती है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आती हैं। ठीक है, तो एक तो हमने बात किया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, फिर दूसरा जो यहाँ फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा फिर इसमें होता है न्यूक्लियोलस जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री, जहाँ पर होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइबोसोम, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में होता है उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्रोमेटिन क्या है, तो फिर मैं वापस एक बार याद दिला दूं, ये जो न्यूक्लियस को हम स्टडी कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं किसमें, इंटरफेज में, इसको हम कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। और ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को इंटरफेज में क्यों स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसको एम फेज यानी कि डिवीजन फेज में क्यों स्टडी नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और फिर वो टेलोफेज में जाकर रीअपियर होती है, और इसलिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है इंटरफेज में। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, जिसका आज हमारा जो लेक्चर है, वीडियो है, वो इसी पर है, क्रोमेटिन। क्या है क्रोमेटिन, तो आइए जरा इस क्रोमेटिन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्रोमेटिन क्या है, तो जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है ना न्यूक्लियस में, उसी को कहते हैं क्रोमेटिन। जेनेटिक मटेरियल तो सर डीएनए होता है, तो यस क्रोमेटिन इज डीएनए। व्हाट इज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इज द डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये आप जानते हैं कि जो यूकेरियोट्स होते हैं, यूकेरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है वह रेप्ड अराउंड होता है इस हिस्टोन प्रोटीन के। हिस्टोन प्रोटीन किसको कहते हैं, जो बेसिक नेचर का प्रोटीन होते हैं, अर्जिनिन लाइसिन रिच प्रोटीन होता है ना, एक हिस्टोन का ऑक्टोमर होता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के थ्रू समझते हैं। तो अभी मैं उस न्यूक्लियोसोम मॉडल की चर्चा नहीं करना चाहता, अभी इतना समझिए कि डीएनए इज रेप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, और जब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन तो उसी को कहा जाता है क्रोमेटिन। और जैसे मैंने कहा कि ये आपको थ्रेड्स के रूप में इंटरफेज न्यूक्लियस में दिखाई देते हैं, तो ये जो थ्रेड्स हैं इन्हीं को क्रोमेटिन थ्रेड्स कहा जाता है। तो जो क्रोमेटिन है बेसिकली डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना है, इंटरफेज में आपको ये क्रोमेटिन दिखाई देता है। और जब हम एम फेज में जाते हैं, ये क्रोमेटिन कब दिखाई दे रहा है आपको, इंटरफेज में, यानी कि G1S G2M। लेकिन जब हम जाएंगे एम फेज में, तो एम फेज में यही क्रोमेटिन क्या बन जाएगा, तो यही क्रोमेटिन बन जाता है क्रोमोसोम। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको अपलोड करूंगा, आज हम सिंपल क्रोमेटिन की बात करें। तो देखिए इंटरफेज न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए स्टेन किया जाता है किससे, तो स्टेन किया जाता है एक डाई से जिसका नाम है एसिटोकार्बिन। ये जो डाई होती है जब न्यूक्लियस को स्टेन करती है तो इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है यह एक तो लाइट स्टेन पार्ट में दिखाई देता है और एक डार्क स्टेन पार्ट में दिखाई देता है। जो लाइट स्टेन पार्ट होता है इसको तो कहते हैं यूक्रोमेटिन, और जो डार्क स्टेन पार्ट होता है इसको कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अब देखिए जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट यही है,
यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन का. व्हाई द हेटरोक्रोमेटिन पार्ट ऑफ क्रोमेटिन इज डार्क स्टेंट. तो इसको समझने के लिए एक सरल भाषा में आप समझिए कि जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियस में जब आप देखते हैं तो इस तरह के धागे धागे आपको दिखाई देते हैं. तो यूँ समझ लीजिए जैसे ऊन होती है घर में, मम्मी तो पता नहीं लेकिन दादी नानी ने जरूर स्वेटर जैसी बुने होंगे तो ऊन होती है ना, तो उस ऊन को वो क्या करते हैं, तो उस ऊन को वो एक उस पर सलाई पर लपेट लेते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए वो ऊन इधर उधर बिखरी हुई हो और किसी बच्चे बच्चा उसमें उलझ जाए तो उसमें कई सारे गांठें पड़ जाएगी ना, ठीक है ना. तो इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक रोप है या कोई ऊन है जिसमें कई सारी गांठें पड़ी हुई हैं. तो अगर मैंने कहा नोट्स गांठें पड़ी हुई है रोप में या ऊन में, तो वो गांठें किसको रिप्रेजेंट कर रही है. किसी रोप में अगर नोट्स हैं तो वो नोट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो नोट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस ऊन के उस रोप के कंडेंस्ड पार्ट को, है ना, क्योंकि वहाँ बहुत सारा वो ऐसे उलझ गया तो कंडेंस्ड हो गया है, छोटा हो गया है, ठीक है. तो बस इस चीज़ को पकड़ लीजिए कि एक रोप है जिसमें कई सारी गांठें हैं और वो गांठें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो कंडेंस्ड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं. अब मान लीजिए आपने उस ऊन को किसी कलर में डाला या शाही में डाला और कुछ देर के लिए इसे छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद आपको क्या दिखाई देगा, तो जो नोट वाला पार्ट है यानी जो कंडेंस्ड पार्ट है वो तो ज़्यादा डाई ले रहा होगा क्योंकि वो ज़्यादा घना है तो वो ज़्यादा डाई ले रहा होगा. और जो नोट वाला पार्ट नहीं है या जो कम नोट्स वाला पार्ट है जहाँ गांठ कम है तो वो कलर कम ले रहा होगा. और इसलिए जो कंडेंस्ड पार्ट है नोट वाला पार्ट है वो ले रहा होता है ज़्यादा डाई और इसलिए वो डार्क आपको दिखाई दे रहा होता है. बस ये कंसेप्ट है, ये ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लीजिए आप. हेटरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन का कौन सा पार्ट है, हेटरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन का वो पार्ट है जो हाईली कंडेंस्ड है या मोर कंडेंस्ड है. तो यूक्रोमेटिन कौन सा पार्ट है, तो जो लेस कंडेंस्ड है. अब मैं बार बार एक बार बोल रहा था आपको कि डीएनए इज रेप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन. और देखिए डीएनए से ही आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, उससे एमआरएनए बनेगा और वह एमआरएनए फिर बनाएगा प्रोटीन जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन. तो जो हाईली कंडेंस्ड पार्ट है इसका मतलब बहुत ज़्यादा वो गुथा हुआ है. तो डीएनए खुला हुआ नहीं है, डीएनए बहुत ज़्यादा लिपटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है. तो डीएनए खुला हुआ नहीं है और खुला हुआ नहीं है तो फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा. और इसलिए इस हेटरोक्रोमेटिन को कहा जाता है जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट. और यूक्रोमेटिन को कहा जाता है जेनेटिकली एक्टिव पार्ट. क्यों कहते हैं हेटरोक्रोमेटिन को जेनेटिकली इनएक्टिव, क्यों कहते हैं यूक्रोमेटिन को जेनेटिकली एक्टिव, क्योंकि अगर मैं यूक्रोमेटिन की बात करूं तो लेस कंडेंस्ड है, डीएनए खुला हुआ है, डीएनए खुला हुआ है तो वहां होगा ट्रांसक्रिप्शन. और इसलिए यूक्रोमेटिन को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट. यानी कि जिससे होने वाला है आरएनए का सिंथेसिस या एमआरएनए का सिंथेसिस. और चूंकि ये हाईली कंडेंस्ड डीएनए खुला हुआ नहीं है और इसलिए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट. नो एमआरएनए सिंथेसिस. और अगर एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो एमआरएनए ही तो इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है डीएनए की जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है. और इसलिए सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या कहता है कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन जाती है एमआरएनए में और एमआरएनए से इन्फॉर्मेशन जाती है प्रोटीन के रूप में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. और इसलिए जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसी का ट्रांसलेशन होगा, वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में जाएगा. और यही कारण है कि यूक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और इसलिए वो जेनेटिकली एक्टिव पार्ट कहलाता है. जबकि हेटरोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड है, डीएनए खुला हुआ नहीं है तो वहां ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो फिर उससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोटीन के रूप में नहीं जा रही है. और इसलिए हेटरोक्रोमेटिन को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट. और एक चीज समझ लीजिए, फंडामेंटल बात है साहब, कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी का ट्रांसलेशन होता है.
जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी का ट्रांसलेशन होता है, यानी डीएनए के जिस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होगा उसी का ट्रांसलेशन होगा। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के उसी पार्ट से जाएगी जो ट्रांसक्रिप्ट हुआ है, जो ट्रांसक्रिप्ट नहीं हुआ उसका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। और समझ लीजिए ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेल साइकिल की हर फेज में चलता है, सेल साइकिल के जी1 में चलता है, एस में चलता है, जी2 में चलता है, एन में चलता है। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता है, लेकिन रेप्लिकेशन, जब हम रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि भाई डीएनए ही तो है क्रोमेटिन और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए से डीएनए बनता है, तो मन में आता है कि सर डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो किस पार्ट का होता है, क्रोमेटिन के किस पार्ट का होता है, यूक्रोमेटिन का होता है या हेटरोक्रोमेटिन का होता है। तो याद रखिए रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है, यानी कि बोथ यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन पार्ट का पूरे डीएनए, रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होगा। और रेप्लिकेशन होगा कब, ओनली एंड ओनली इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन होता है ओनली यूक्रोमेटिन पार्ट का। और कब होता है, तो हमेशा होता है, जी1 में भी, एस में भी, जी2 में भी, एम में भी। लेकिन रेप्लिकेशन पहली बात पूरे के पूरे डीएनए का होता है और सिर्फ एस फेज में होता है। और यहां से ही वो रहस्य निकल करके सामने आता है कि जब हम पूछते हैं, मैंने सवाल आपको उस दिन भी छोड़ा था, मैं फिर उस सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि अगले लेक्चर में इसी की बात करूंगा। क्रोमेटिन से ही क्रोमोजोम बनता है, कि जब हम क्रोमोजोम को स्टडी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मेटाफेज स्टेज में, जब क्रोमेटिन हाईएस्ट कंटेंट होता है तो वो क्रोमोजोम के रूप में दिखाई देता है। तो फिर एक क्रोमोजोम में कितना डीएनए, ये सवाल अभी भी सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा, जल्दी ही मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और हमारे इस चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को सब्सक्राइब कीजिए। और गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लास को अपलोड करना ना भूलें, वहाँ मिलते हैं आपको डिटेल्ड में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।